भारत के दो महान राजा छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप, जिन्होंने देशभक्ति की ऐसी मिसाल पेश करी जिसे आज तक लोग बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं, जिन्होंने पूरे भारतीय इतिहास का मानचित्र बदल कर रख दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये दोनों एक ही वंश से आते हैं। बात तब की है जब आज के मेवाड़ पर रावल रतन सिंह का शासन हुआ करता था और दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी ने सन 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 6 महीने के भीषण युद्ध के बाद खिलजी युद्ध में विजयी हुआ। रावल रतन सिंह बहुत अल्प सेना होने के बावजूद हार नहीं माने और कई छत्रियों ने साका कर लिया और कई छत्राणियों ने जोहर। इस युद्ध में गहलोत वंश के लाखा सिंह और उनके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु उनका 1 पुत्र अजय सिंह और उनका भतीजा हमीर सिंह युद्ध में कुशलपूर्वक बचकर निकल गया। उचित समय आने पर हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। हमीर सिंह का जन्म सिसोद गांव में हुआ था, इसलिए यह गहलोत वंश सिसोदिया वंश भी कहा जाने लगा। हमीर सिंह के 2 पुत्र हुए, क्षेत्र सिंह और सज्जन सिंह, परंतु क्षेत्र सिंह के बड़े होने पर इनका राज्य अभिषेक कर दिया गया और हमीर सिंह के बाद क्षेत्र सिंह ही मेवाड़ के राजा बने और इसी वंश में भारत के सबसे महान राजा महाराणा प्रताप सिंह का भी जन्म हुआ। छोटा भाई सज्जन सिंह नाराज होकर महाराष्ट्र चले गए। सज्जन सिंह ने महाराष्ट्र के हसन गंगू के यहाँ नौकरी करने लगे। बाद में इनसे खुश होकर हसन गंगू ने इन्हें 10 गांवों का जागीरदार बना दिया। सज्जन सिंह के ही वंश में जन्म हुआ भोसला जी का, जिसके बाद यह वंश भोसले वंश भी कहा जाने लगा। भोसला जी की 10वीं पीढ़ी में जन्म हुआ भारत के सबसे महान राजा छत्रपति शिवाजी का। जब छत्रपति शिवाजी ने कई राज्यों को जीतकर अपनी राज्य अभिषेक की बात रखी, तब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्य अभिषेक करने से मना कर दिया और उनके क्षत्रियता पर सवाल उठा दिया। फिर बनारस के ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलाया गया, जो सभी राजपूतों की वंशावली को रखा करते थे। फिर गंगा भट्ट ने सिसोदिया से भोसले वंश तक की पूरी वंशावली को छत्रपति शिवाजी के समक्ष रखा और गंगा भट्ट ने ही छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक किया। गंगा भट्ट ही समूचे राजपूताने के राजाओं का राज्य अभिषेक किया करते थे। छत्रपति शिवाजी के राज्य अभिषेक में 5,000 ब्राह्मणों ने भोज किया और बहुत ही धूमधाम से छत्रपति शिवाजी को उनके राजगद्दी पर बैठा दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।